कहा अब मुझे किटिंग दिखी है। क्या हुआ? मतलब अब जो है अच्छा, वो मुझे फुल दिखी है। गाड़ी में तो हम ऐसे आधा आधा कर रहे थे। अच्छा जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और हम जो है वो अब आए हुए कराची ब्रोस, यहाँ से हम निकलेंगे। आज आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेके आएंगे और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि आपके लिए कोई ऐसे गेस्ट को बुलाएं, ऐसे लोगों को बुलाएं जो कराची में कॉमन ना हो। तो आज जो है वो हमारे गेस्ट जो है वो आसिम भाई, आप बताएं कौन होंगे? मुझे तो नाम ही नहीं पता अभी तक। नहीं पता अभी तक आपको? पता है कौन होंगे? तो भाई मुझे भी नहीं पता कौन होंगे। हाँ ठीक है, तो बस पे जैसे ही गेस्ट आएंगे हम मुदस्सिर भाई फिर गेस्ट से उनकी मुलाकात कराते हैं लोगों की, और उसके साथ साथ इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहे, आपको बड़ा मजा आएगा। अब हमने जो है वो अपनी गाड़ी घोरी, पीछे हमारा टिड्डा वो खड़ा कर दिया हमने, और स्पोर्टेज ले लिए हम, इसमें निकलेंगे। और आवाज़ का इशू आएगा, हमें इसका फैन स्लो करना पड़ेगा, तो वो स्लो हो गया। ये हमारा पीछे टिड्डा, वो गाड़ी हट गई है, और मैं और मुदस्सिर भाई जो हैं वो हम निकल गए। अच्छा जी, ऑन द वे ट्रैफिक है जाम, जिसको कहते हैं ट्रैफिक जैम, टोटल पैक पड़ा हुआ। तो अब जो है वो हम बस जाके ताग उठाएंगे और व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। अच्छा जी, अब जो है वो हम हमारा जो स्टार था हमने उसको पिक कर लिया। अब कहा जो है वो मेरे साथ मौजूद है गाड़ी के अंदर, एक मिनट में देख लूँ फ्रेम बन रहा है। हाँ बन रहा है। कैसे होता? ठीक आप सुनाए? कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे साथ है सर, आप कैसे? हेलो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड जी। अच्छा जी, कहा जब तुमने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो कैसे की? यार पहली बात, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी ना, वो तो 2-3 साल पहले की बात है। ठीक है। वो तो मैं स्टार्ट में बस स्टार्ट का भाई शौक होता है हल्का फुल्का, वो बनाता था। लेकिन जब उसके बाद शौक बढ़ता गया, फिर जब मैं मतलब कोई वीडियो एक्टिंग वाली देखनी, उसको सबसे पहले ना मिरर के आगे खड़ा होके तकरीबन घंटा डेढ़ उसकी एक्टिंग करनी थी, कि जब तक मुझे सेटिस्फाइंग नहीं ना होता तो तब तक मैं उसको करता रहता था। तो जब मुझे लगा कि भाई ये ठीक है, ऐसे बनेगी, तब मैं उसको फिर कैमरे के आगे बना के आके एक्टिंग करता था। अब तुम्हारी उम्र कितनी थी उस वक्त? तब मेरी शायद 11 इयर्स। यस। मम्मा पापा की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल पूरी थी? बिल्कुल। और अभी? अभी भी है, पहले भी थी। अच्छा, और सर तो मेरे साथ मौजूद है। सर जब आपने शुरू में देखा, आपने रोका नहीं? आपने बोला यार क्या है मतलब? नहीं, मैंने इसको रोका नहीं। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि अगर किसी में किसी तरह का बच्चे में टैलेंट हो रहा तो यार उसको रोकना नहीं चाहिए। बाजी बात, बहुत बहुत प्यारी बात की है। बहुत मजा आया मुझे ये बात सुन के, मजा आया। मतलब मैं भी इसी थॉट का आदमी हूँ। मेरा भी यही सीन था, मैं कहता था अगर यार तुम करना चाहते हो तो कम ऑन डू इट, डू दिस, लेकिन स्टडी भी साथ साथ। हाँ, स्टडीज जो है वो कंटिन्यू है, वो जरूरी। अच्छा, वापस आते हैं तुम्हारी तरफ, और सवाल ये कि स्टडीज कंटिन्यू रखी हुई? जी जी बिल्कुल, स्टडीज कंटिन्यू है। अच्छा, परेशानी होती है स्कूल जाते वक्त? तो लोग पहचानते हैं भाई क्या बताऊं मैं आपको? मत बताओ, सारे दोस्त यार। हाँ, मत बताओ। बिल्कुल होती है। तो देखो जी, किसी भी फेम के साथ स्ट्रगल बहुत बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। शीशे में खड़े होकर 1.5 घंटा वीडियो की प्रैक्टिस करना, उसके बाद जाके फाइनल रिजल्ट देना। तो अभी हम जाते हैं आगे, ट्रैवल कर रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे पे। इस व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हम जो है वो खैमा पहुँच गए, और अब जो है वो ये कर रहे हैं। कहा अब मुझे किटिंग दिखी है। क्या हुआ? मतलब अब जो है अच्छा, वो मुझे फुल दिखी है। गाड़ी में तो हम ऐसे आधा आधा कर रहे थे। सर थकन कैसी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक बहुत था। ये कौन सी बात हुई? अब जो है वो हमारे खाने का टाइम शुरू हो गया भाई। हमने जो है वो चाय पी ली थी, और उसके बाद जो है व्लॉग चल रहा है। जनरल ताहा इज रियली वेरी प्रोफेशनल। मैंने इतनी कम उम्र में इतना प्रोफेशनल बच्चा नहीं देखा, मैं नहीं हूँ। मुझसे अगर सच पूछो ऑलरेडी, तो व्हाट जितनी एफर्ट ये कर रहा है और जिस लेवल पे ये काम कर रहा है, मेरा ये दावा है, आप अभी लिख लें कहीं, मैं रहूँ ना या ना रहूँ, मेरे अल्फाज रहें, ये बच्चा जो है ये बहुत जल्दी आप तमाम लोगों को बीट करेगा। मैं आज लिख के देने को तैयार हूँ कि आप लोग जिसको एक्सप्रेशन किंग कहते हैं, आज से कहना छोड़ दें, ही इज़ द वन, ही इज़ द एक्सप्रेशन किंग। अच्छा, इस बच्चे को असल में पता है कि ये एक्सप्रेशन कहते किसे, और एक्सप्रेस लफ्ज़ों के साथ खेलना इसको आता है। बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में अल्फाज को समझना और उसको चेहरे से बता देना। ये
एक दौर में जो है वो चार्ली किया करता था। आप चार्ली चैपलिन जो है उसको अगर आप देखेंगे तो वो आप बजाय उसको कॉमेडी देखते हैं लेकिन वो लफ्ज़ को समझा दिया करता था चेहरे से। तो ये इमोशनल जो है मैं कह रहा हूँ ही इज किंग, मज़ा आ गया इसके साथ। अच्छा जी अब इस ब्लॉग को करेंगे हम एंड। ओए हुए क्या बर्थडे का सेटअप चल रहा है। अच्छा भाई देखो ये जो सेटअप चल रहा होता है ये ग्रेडिंग हुई भी होती है कलर वलर, तो इन चक्करों में लाइव जो मैं दिखाता हूँ वो देखा करो, लाजमी देखा करो। तो हसन भाई क्या कह रहे हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और बुकिंग के लिए आप क्या कह रहे हैं कि बुकिंग के लिए अगर कोई आपके पास आए तो आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे? 10%। अच्छा ठीक है जी, फरवरी और मार्च की अगर किसी की बुकिंग है तो मैं उसको देता हूँ 20% का डिस्काउंट। आ जाओ देख लेते हैं अब देख लेते हैं। अच्छा तुम क्या बता रहे थे मुझे, आओ जरा इधर। चैनल पे देख रहा था द लाइबास के नाम से, द लाइबास किचन, द लाइबास किचन। हाँ। तो मैंने सुना आपकी वाइफ से बड़े झगड़े चल रहे। बिल्कुल तो खाना बनाना सीख लो। ठीक है इसके क्या नाम है, अच्छी है रेसिपीज, खाना मैंने अच्छे बना रही है। हाँ। अच्छा भाई दिला भाई समझ तो गए होगे हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है ये जितना अटका है द लाइबास सीक्रेट के नाम से चैनल है, देख लो यार किसी ने रिक्वेस्ट की है तो हम जो है वो रिक्वेस्ट को टालते नहीं है, लाजमी देख लें। और मुदस्सिर भाई इस व्लॉग को करते हैं एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तहा आया था अनफॉर्चुनेटली जब जा रहा था तो हम बातों में लग गए। उमर भाई कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। उमर भाई पश्तो में एक अच्छा सा मैसेज अगर आप दें या शेयर पढ़ दें कोई। यार जब अता सोवे मा चला से सैमा बैंक्वेट ता विजिट वकई हम आवल दे वाह वाह एंजॉय वकई वाह वाह। अच्छा अच्छा भाई बताना ये इसने कहा क्या है, हम लोगों ने वाह वाह कर दिया। हम लोग कर देते हैं बाजों का इतना, समटाइम इट्स हैपन हम वाह कर देते हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं एक में एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और पीछे तो समझ गए होगे। हाँ हाँ फुल फुल प्रमोशन खुली खुली खुली